स्टूडेंट, पिछला क्वेश्चन हम 10th क्लास में कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर आ रहा था ये 115 आए हैं। ठीक है, 115 हमें फैक्टर ऐसे करने कि इसको करने पर 115 बने। तो देखिए, देखेंगे हमने ये ब्रेक कर लिया इसको, तो ये हमारे फैक्टर आए थे, हमें 115 चाहिए ऐड करने पर। देखो 100 प्लस 15 तो 115 तो फैक्टर बन जाएंगे इसके, तो हो जाएगा 4y² माइनस 100y और प्लस 15y प्लस 375 इक्वल 0। माइनस 15y और प्लस 375 इक्वल 0। इसमें से 4y कॉमन आएगा तो y माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन आएगा तो y माइनस 25 इक्वल 0। y माइनस 15, y माइनस 25 एक ब्रैकेट और 4y माइनस 15 एक ब्रैकेट आ गया, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 25 आ जाएगा। y इक्वल 25 आएगा, y की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, तो y इक्वल हम जानते हैं x प्लस 10 एक्स इक्वल है हमारे पास वाई माइनस 10, 25 माइनस 10 यानी कि 15, इसका 15 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। ठीक है, सुन थोड़े से कैलकुलेशन में साफ करिए, बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, दोनों के जो गैप है वो 132 है, मैसूर टू बेंगलोर विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप इन द इंटरमीडिएट स्टेशन, बीच में जो रुकती है उसके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं है। द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो लेट द एवरेज स्पीड, अब देखो किससे रिलेशन दे रखा है वो आप चेक करो। तो इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 आवर्स मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की लेट कर लेते हैं, लेट जाए एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल एक्स किलोमीटर पर आवर, सो वेट कह रहा है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन देन द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन की हमें निकालनी है। ठीक है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। अब देखो हमें रिलेशन दे रखा है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल हो गया स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, पहला टाइम है टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड कितनी है x किलोमीटर, ज़रा
टी ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल हो जाएगा, ये कह रहा है कि कितने किलोमीटर का जो है मोर है, इसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चलती है। एक्स तो उसकी है, तो उसकी क्या जाएगी एक्स प्लस 11, डिस्टेंस ये भी कवर करनी है। अब स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, टाइम लगेगा इनको ज़्यादा इनको कम लगेगा, तो यानी कि टी पी माइनस टी एक्सप्रेस इक्वल 1। एक घंटे का अंतर आ रहा है ना, कॉमन लेके घर भेज देंगे, तो x माइनस एक्स प्लस 11 इक्वल 132। सॉरी गलत फॉर्मूला यहाँ लग गया है, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लग गया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये बनेगा, यहाँ से डिस्टेंस अपन स्पीड ये बनेगा, ठीक है, ये तो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो टी पी माइनस टी एक्स में लगा दीजिए, तो टी पी हमारा 132 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 132 अपॉन एक्स प्लस 10 11 सॉरी। वन थर्टी टू तो कर लिया कॉमन, क्या आ जाएगा x प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 11, तो 132 यह हो जाएगा x x कैंसिल इनटू में 11 इक्वल में आ जाएगा आपका x x प्लस 11, तो 132 इनटू 11 कैसे रहने देंगे, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इनटू 11 इक्वल 0, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 132 इंटू 11 कराएंगे, 22 टू 11 थे 33 प्लस 2 35, 3 11 प्लस 3 14, यानी कि 1452 हो जाएगा। ये अब 1452 की हमें मल्टीप्लाई ऐसे करने फैक्टर से करने माइनस करने पर 11 आए, देखो अपने पास क्या है, 11 तो ऑलरेडी है, अब 132 के फैक्टर कर लो, क्योंकि ये तो 11 तो प्राइम है, ठीक है, इसको करेंगे तो 4 से कर लो, 4 रिजल्ट 12, 4 रिजल्ट 12, फोर्टी फोर और 33 बन जाएगा, ये 11 ऑलरेडी अपने पास है, तो 44 इंटू 33 ये आता है 1452, 44 माइनस 33 कर देंगे तो सेम 11 ही बन रहा है। तो देखो फोर्टी फोर एक्स माइनस 40, इसको पहले ओपन कर लो, 44x अब x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन करेंगे तो x प्लस 44 ये हो जाएगा आपका x प्लस 44 और x माइनस 33 इक्वल 0, x इक्वल टू आ जाएगा 33 माइनस कर नहीं सकते। अब एक्स की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, क्योंकि हमें पता है ये तो आ गया हमारा एक्स, एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एक्स मान ली ना हमने, और दूसरी जो दूसरे को जो टाइम दूसरे की जो स्पीड है वो 11 आवर्स जो है ज़्यादा है, पैसेंजर की लैंड करी थी
सो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 33, तो ये हो गई प्लस 11 और ज़्यादा है उससे, 11 या 10, 11 ज़्यादा है, 33 प्लस 11 यानी कि 44 हो जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।